ऑल राइट एवरीवन, सो लास्ट क्लास में मैंने आपको स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म पूरा कंप्लीट करा दिया था, फिटिंग डाली आप लोग। स्टीरियो आइसोमेरिज्म के अंदर कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म, किसके बारे में, किसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं हम लोग, कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म। स्टीरियो आइसोमेरिज्म का जो सबसे पहला यूनिट था कन्फर्मेशनल, अच्छा ये टॉपिक समझने से पहले ये जरूरी है कि कितने तरह के स्ट्रेन मॉलिक्यूल के अंदर होते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्ट्रेन प्रेजेंट है ना मॉलिक्यूल। लिखो, हेडिंग डालो, सब हेडिंग इसके अंदर, टाइप्स ऑफ स्ट्रेन प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल, टाइप्स ऑफ स्ट्रेन प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल। कितने तरह के स्ट्रेन होते हैं मॉलिक्यूल्स में, कितने तरह के स्ट्रेन होते हैं, तो सबसे पहला जो स्ट्रेन है उसका नाम है टॉर्शनल स्ट्रेन। क्या बोलते हैं इसको, टॉर्शनल स्ट्रेन। अब बेटा ये कौन सा स्ट्रेन है तो पहले समझो, उसके बाद नोट करना कि अगल बगल के जो कार्बन हाइड्रोजन के बॉन्ड्स हैं उनके वजह से जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड क्रिएट हो रहा है ये इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन दोनों पे नेगेटिव चार्ज है, सो लाइक चार्जेस रिपेल, इनके रिपल्शन के वजह से, इनके रिपल्शन के वजह से ये रिपल्शन टॉर्शनल स्ट्रेन है, टॉर्शनल स्ट्रेन। लिखो, इट अराइजेस ड्यू टू द रिपल्शन बिटवीन रिपल्शन बिटवीन द बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स अटैच्ड टू एडजेसेंट कार्बन, बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स अटैच्ड टू एडजेसेंट कार्बन, अटैच्ड टू एडजेसेंट कार्बन। आप एग्जाम्पल लगा के लिख लो या ऐसे दिखा लोगे आपको ज्यादा क्लैरिटी आएगा। दिस इज टॉर्शन स्ट्रेन, ये जो रिपल्शन है ना इसके वजह से टॉर्शन स्ट्रेन आता है। अब एक बात बताओ, ये थ्री डायमेंशनल मॉलिक्यूल है इथेन, इथेन इज नॉट ए टू डायमेंशनल मॉलिक्यूल राइट, व्हाट इज द हाइब्रिडेशन ऑफ इथेन ऑन ईच कार्बन, वी हैव sp3, sp3 का मतलब क्या हुआ, टेट्राहेड्रल। ये सुनो, एंड टेट्राहेड्रल है तो भाई ये सारी चीजें एक प्लेन में तो नहीं हो सकती, तो इनको दो प्रोजेक्शन से हम रिप्रेजेंट करते हैं और उनमें प्लेन में दिखाते हुए कुछ आपको एज्यूम करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, जैसे इसमें सॉहर्स में इसको मानते हैं, ये जो बॉन्ड है वर्टिकल वाला, इसको मानते हैं कि इन द प्लेन, ये और ये इन द प्लेन, अब इन दोनों में से एक को अंदर एक को बाहर मान लो, एक को अंदर मतलब जो भी डायरेक्शन फिक्स करना उसको, जैसे ये मान लो इनसाइड द प्लेन, इधर वाला जो है उसको इनसाइड द प्लेन, तो ये कौन सा हुआ, आउटसाइड द प्लेन। आ रहे क्या बात समझ, लाइक दैट ये वाला कैसे होगा इनसाइड एंड ये क्या होगा आउटसाइड। अब देखो इस चीज को थोड़ा मैं समझाऊं तो आप देखो, ये आपके सामने मैं एक इथेन बना के मॉलिकुलर मॉडल से दिखा रहा हूं, दिस इज इथेन,
right? The black spherical atom is carbon, tetravalent, and these small atoms are hydrogen. दो अलग कलर इसलिए कर रखा है, आगे मुझे कुछ सिखाना है आपको फ्रंट एंड रियर कार्बन को लेकर के. तो आप देखो ये जो ये बनाया हुआ है, ये मॉलिक्यूल देखो, इट इज नॉट अ प्लेनर मॉलिक्यूल, यू कैन नॉट प्लेस इट इन अ प्लेन. कहीं पे भी रखोगे तो कुछ पोर्शन ऊपर आएगा. तो अगर मान लो मैं प्लेन ऐसा मान लू कि ये और ये कार्बन को लेकर के प्लेन ऐसे जा रहा है, पेज ऐसे जा रहा है आपके नोटबुक का, तो ये बाहर है और ये अंदर है. तो इसलिए मैं बता रहा था कि एक कार्बन से एक बॉन्ड बाहर, एक अंदर, और एक प्लेन में, और ये वाला भी प्लेन में. प्लेन प्लेन इनसाइड, ये पीछे वाले को मैं इनसाइड बोल रहा हूँ, प्लेन हमारा यहाँ से जा रहा है. जैसे प्लेन आपका अगर इस साइड से जाएगा ऐसे करके, एक साइड एंड एक साइड, इज दैट क्लियर? सो दिस वन, ये कौन सा प्रोजेक्शन है बेटा, इसको क्या बोलते हैं? सॉहर्स प्रोजेक्शन. क्या बोलते हैं? सॉहर्स प्रोजेक्शन. इसका यूज क्या है भाई? हमें थ्री डायमेंशनल मॉलिक्यूल को 2D में विजुलाइज करने में हेल्प करेगा. 2D में जो हमने ड्रॉ किया है उसमें वो विजुलाइज करने में हेल्प करेगा कि ये आखिर मॉलिक्यूल है कैसे. समझ गए ना? वरना कितना रॉन्ग रिप्रेजेंटेशन है. देखो ऐसा लग रहा होगा जैसे ये एंगल कुछ है, ये कुछ भी है, कुछ भी ज्योमेट्री बना जा रहा है, होना टेट्राहेड्रल से ही. लेकिन जब आप इमेजिन करोगे कि ये प्लेन में है, ये बाहर आ रहा है, ये अंदर आ रहा है, तो करेक्ट विजुलाइजेशन है फिर. तो ये अच्छा. दूसरा इसी का एक मॉडिफाइड वर्जन है जिसको बोलते हैं न्यूमान प्रोजेक्शन. क्या बोलते हैं बेटा? न्यूमान प्रोजेक्शन. आपको सॉहर्स से न्यूमान जाना हो तो आप अपनी आंखें इस कार्बन कार्बन के बॉन्ड के अलोंग रखिए, या आईपीस अपनी यहां रखिए, और इसको देखने की कोशिश करिए. कार्बन कार्बन बॉन्ड के अलोंग देखने की कोशिश करिए. तो जब भी आप एक कार्बन से देखने की कोशिश करोगे तो पिछला वाला कार्बन छिप जाएगा इसके अंदर. देखो हिडन द बैक कार्बन, एकदम बिल्कुल लाइन के लॉन्ग देखना है कार्बन कार्बन के. फ्रंट कार्बन दिख रहा है ऑरेंज कलर वाले बॉल, बैक कार्बन हाइड कर दिया. अब आप सोचो कि जब भी हम मॉलिक्यूल को रोटेट करा रहे हैं ऐसे, ठीक है, सो जाओ कोई बात नहीं है, आराम से, घर में टाइम तो नहीं मिलता है, रात भर वीडियो गेम खेलना है, क्लास में आके सोना है. देखो इधर, यहां पे दिखाई दे रहा है ये थोड़ा सा घूम करके, ये जो एंगल आपको इधर वाले और इस पीछे वाले के बीच में, जो अगर मान लो ये प्लेन है इसके अंदर दोनों बॉन्ड आ जाते हैं तो उनमें जो एंगल दिख रहा है वही क्या है? डाइहेड्रल एंगल. क्या बोलते हैं इसको? डाइहेड्रल एंगल. ये डाइहेड्रल एंगल अगर जीरो हुआ, एग्जैक्टली जीरो, तो इस अरेंजमेंट को बोलते हैं इक्लिप्स्ड अरेंजमेंट. क्या बोलते हैं? जैसे सोलर इक्लिप्स, ल्यूनर इक्लिप्स होता है, वैसे ही इक्लिप्स्ड है. एक ने पीछे को पूरी तरीके से कवर कर लिया. अब इसको हम अलग अलग एंगल पे घुमाते जाएंगे, अलग अलग फॉर्म्स क्रिएट होते जाएंगे. कितने लोग ये कहने जा रहे हैं कि सर इसमें टॉर्शनल स्ट्रेन अलग अलग एंगल पे अलग अलग आएगा, इजंट इट? क्योंकि बिल्कुल अगर एकदम पीछे पीछे आ गया तो मैक्सिमम, क्योंकि ये डिस्टेंस सबसे कम. जब ये थोड़ा ऐसे घूम गया तो ये डिस्टेंस बढ़ गया, जिसकी वजह से रिपल्शन थोड़ा कम हो जाएगा. सो टॉर्शनल स्ट्रेन की वैल्यू अलग अलग डाइहेड्रल एंगल पे अलग अलग आएगी. तो क्या कंफर्मर अलग मॉलिक्यूल है? नहीं सर, सिर्फ एक ही मॉलिक्यूल के ड्यू टू द अलाउड रोटेशन अलग अलग पोटेंशियल एनर्जी फॉर्म्स है, अलग अलग टॉर्शनल स्ट्रेन के वजह से. तो ये था टॉर्शनल स्ट्रेन. तो टॉर्शनल स्ट्रेन विल बी मैक्सिमम व्हेन द एंगल इज जीरो, डायहेड्रल एंगल इज जीरो. सो जब न्यूमान प्रोजेक्शन की बात करते हैं तो मैंने आपको समझाया कि भाई अगर आप ऐसे देखोगे तो एक कार्बन को देखो तो पिछला वाला हाइड कर गया, तो मैंने इसको ऐसे बना दिया. ये डॉट रिप्रेजेंट कर रहा है फ्रंट कार्बन जिसको आप देख पा रहे हो. अगर यहां से आप देख रहे हो तो ये व्हाइट कलर के बॉल्स जिसपे अटैच्ड हैं, ये आपके लिए फ्रंट कार्बन. एंड द सर्कल इज रिप्रेजेंटिंग रियर कार्बन. किसको?
कार्बन ऐसा दिखेगा नहीं, जस्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ। फ्रंट कार्बन पे तीन हाइड्रोजन अटैच्ड है, और अगर उनको प्लेन में बनाओगे तो एग्जैक्टली 120 डिग्री का एंगल दिख रहा होगा, जबकि रियल एंगल 109 डिग्री 18 मिनट का है। ओके जी, इसके बाद पीछे वाले को मैं थोड़ा सा साइड कर दे रहा हूं, कोई तकलीफ किसी को नहीं होनी चाहिए। ये इसलिए ताकि मैं ये एंगल को डिनोट कर पाऊं, जहां पे ये थीटा एंगल क्या है, डाईहेड्रल एंगल क्या है, डाईहेड्रल एंगल, क्या डाईहेड्रल एंगल रियल एंगल होता है? ना ना ना, ये दोनों टेट्राहेड्रन को प्लेन में प्रोजेक्ट करने के बाद जो इनके बॉन्ड्स के बीच में एंगल बन रहे हैं वही डाईहेड्रल एंगल। एंड क्लियरली अगर थीटा की वैल्यू जीरो है तो टॉर्शनल स्ट्रेन, टॉर्शनल स्ट्रेन मैक्सिमम। मैक्सिमम होगा, जीरो पे भी होगा, 120 पे भी होगा, 240 पे भी होगा, 360 पे भी होगा। क्या समझ में आ रहा है? अरे देखना बेटा, ये थीटा बढ़ाते 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 120 पहुंचोगे तो फिर से कवर हो जाएगा, 240 पहुंचोगे तो फिर से कवर हो जाएगा, मतलब हर बार इक्लिप्स। एंड दीज फॉर्म्स आर नोन एज इक्लिप्स फॉर्म। क्या बोलते हैं ये सभी को? इक्लिप्स फॉर्म। कैसे दिखाएंगे इक्लिप्स फॉर्म को? अगर दिखाना हो मुझे न्यूमान प्रोजेक्शन के थ्रू तो ये जस्ट पीछे है, तो मैं डॉट 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 लिख दे रहा हूं ताकि आपको समझ में आए कि जस्ट ये हाइड किया। टॉर्शनल स्ट्रेन मैक्सिमम, तो पोटेंशियल एनर्जी भी मैक्सिमम, जितना ज्यादा रिपल्शन पोटेंशियल एनर्जी उतना मैक्सिमम। 120 क्यों होगा? क्या कर रहा है, तुझे नींद आ रही है यहां सामने बैठ करके? देख इसको, देख ये पूरा घूम करके अगर 120 के लेके आऊंगा तो वापस ऐसे बन जाएगा ना। ये एंगल कितना है मोटू यहां से यहां तक? नहीं, प्लेन में प्रोजेक्शन करने के बाद कितना है यहां से यहां के बीच में? 120 हुआ ना। अरे पूरा घूमेगा 360, तो जो रियल एंगल है वो 109, प्लेन के अंदर कितना दिख रहा है वो? हाँ, तो 120 डिग्री अगर डाईहेड्रल एंगल घुमाएगा पूरा तो वापस इक्लिप्स अरेंजमेंट आ जाएगा ना। अरे दिखा या नहीं दिखा मोटू? तो फिर बोलना है। बोल दे, बोल दे। तो 120 के बाद यहां देखना बेटा, इसको थीटा को इधर से इधर लेके जाएगा। लो मॉडल में देख सकते, सीरियसली यहां और अच्छे से दिखाई दे रहा है, ऐसे घुमा करके यहां तक लेके आओगे तो ऐसे। ठीक है बेटा, समझ में आ गया सभी को? तो ये सारे अरेंजमेंट कौन से हैं? इक्लिप्स मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म के। टॉर्शनल स्ट्रेन इज मैक्सिमम इन दिस, प्लीज राइट इट डाउन क्विकली। अब तक क्या बोले? ये न्यूमैन प्रोजेक्शन इक्लिप्स फॉर्म को बोलते हैं? नहीं नहीं नहीं, न्यूमैन प्रोजेक्शन तो किसी भी फॉर्म के लिए है। मैं दो प्रोजेक्शन आपको दिखा रहा था, न्यूमैन प्रोजेक्शन के थ्रू भी आप देख सकते हो। जैसे ये एक प्रोजेक्शन था, इसमें क्या था कि भाई इस कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड को मैं प्लेन में मानूंगा, ये हमारा प्लेन में है, ये प्लेन में है, ये एक अदर साइड है, ये प्लेन के अदर साइड है। तो ऐसे ही न्यूमैन प्रोजेक्शन को अगर मैं इस जगह से देखूं तो ऐसा अपीयर होगा जैसे इस प्लेन के अंदर ये वाला कार्बन कौन सा फ्रंट मेरे सामने,
और ये इसके पीछे वाला कार्बन है। तो फ्रंट कार्बन को डॉट से रिप्रेजेंट किया एंड बड़े वाले पीछे वाले कार्बन को सर्कल से रिप्रेजेंट किया। बाकी अब जैसे जैसे ये कार्बन हाइड्रोजन के बॉन्ड्स ऐसे घूम रहे होंगे वैसे वैसे ये एंगल चेंज हो रहा होगा, तो बस मैंने उसके फॉर्म में दिखाया। इक्लिप्स के लिए बिल्कुल हाइड करता हुआ दिखाई देगा डॉट डॉट डॉट, ये दिस वन इज। अब ये थीटा अलग हो जाएगा तो अलग फॉर्म क्रिएट हो जाएगा, इज दैट क्लियर? चलो अगला देखते हैं हम लोग। अभी कितने लोगों को ये समझ आ रहा है कि सर ये अगर घूमते घूमते एंगल आपको अगर टॉर्शनल स्ट्रेन की वैल्यू कितनी लानी है, मिनिमम लानी है, कितना एंगल तक लेके जाऊं मैं 60 डिग्री, समझ में आ गया क्या? कौन सा ये डायहेड्रल एंगल, दो टेट्राहेड्रल के बीच का एंगल, ये देखो ये अभी बिल्कुल क्या है, इक्लिप्स फॉर्म है। अब मैं इसे घुमाते 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 यहां तक लेके जाऊं, अब ये जो एंगल क्रिएट हो रहा है ये इससे मैक्सिमम पॉसिबल डिस्टेंस पे आ रहे हैं, तो इन बॉन्ड पेयर के बीच का डिस्टेंस बढ़ गया, तो जिसके वजह से इनका टॉर्शनल स्ट्रेन भी सबसे कम। इसके बाद आओगे तो ये दूसरे के नजदीक होने लग जाएगा। तो कहने का मतलब कि मिनिमम टॉर्शनल स्ट्रेन के लिए थीटा इज इक्वल टू 60 का फॉर्म, और इस फॉर्म का नाम होता है स्टैगर्ड फॉर्म। क्या बोलते हैं? सो इफ थीटा इज इक्वल टू 60, अच्छा कितने लोग कह रहे 60 के बाद फिर कब आएगा? फिर सर 120 कहां जी, 120 पे तो पूरा एकदम ऐसे, इसमें 120 जोड़ दो कितना आएगा 180, फिर 120 जोड़ो, फिर 120 जोड़ो एंड डॉट डॉट डॉट। ये सारे फॉर्म को क्या बोलते हैं? दीज फॉर्म्स आर सेड टू बी नोन एज स्टैगर्ड, स्टैगर्ड। खास बात क्या है? टॉर्शनल स्ट्रेन, कर लिया बेटा। अब इस फॉर्म को कैसे दिखाएंगे? न्यूमैन प्रोजेक्शन में ऐसे दिखाएंगे। ये न्यूमैन प्रोजेक्शन है, और सॉहर्स में कैसे दिखाएंगे? दिस इज सॉहर्स प्रोजेक्शन ऑफ दैट, है ना? कौन से फॉर्म है ये? स्टैगर्ड। मिनिमम टॉर्शनल स्ट्रेन का मतलब पोटेंशियल एनर्जी भी कितनी हो गई? मिनिमम, मतलब मोस्ट स्टेबल फॉर्म हो गए। एंड बीच के जितने भी फॉर्म आते हैं इन दो एंगल के बीच में, जितने भी फॉर्म बनेंगे,
अरे इनफाइनाइट एंगल होगा भाई, 0 से 60 के बीच में इनफाइनाइट एंगल। वो सारे फॉर्म को क्या नाम देते हैं, स्क्यू और गॉश फॉर्म। नंबर 3 पॉइंट पे आपको लिखना है कि इफ थीटा इज बिटवीन 0 टू 60 डिग्री और 60 टू 120 एंड डॉट डॉट डॉट, दीज फॉर्म्स आर नोन नोन एज, कौन सा फॉर्म, स्क्यू और गॉश फॉर्म। स्क्यू और गॉश फॉर्म, फॉर एग्जाम्पल भाई जीरो भी मत करो, 60 भी मत करो, बीच में कहीं लेके आ जाओ, ये मॉडरेट टॉर्शनल स्ट्रेन, ना तो मैक्सिमा ना तो मिनिमा, मॉडरेट पोटेंशियल एनर्जी। अब अगर मुझे ग्राफ बनाना हो, इनका ग्राफ बनाना, इसके बाद आप यहां देखो, मान लो आपको पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ बनाना विथ थीटा, तो जीरो पे मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी मिलेगी तो ऐसे आएगा, 60 पे मिनिमम, 40। ये फॉर्म आपको पता चल रहा है कौन सा है, 60 वाला स्टैगर्ड, और ये फॉर्म समझ में आ रहा है कौन सा है, इक्लिप्स फॉर्म, और ये जो बीच वाले फॉर्म्स है यही सब कौन से, गॉश फॉर्म, स्क्यू और गॉश फॉर्म। तो स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा किसकी है, स्टैगर्ड फॉर्म की ज्यादा है, उसके बाद गॉश, और सबसे कम रिलेटिव स्टेबिलिटी। फिर और फिर वो सिर्फ टॉर्शनल स्ट्रेन से देखो इतना फर्क पड़ गया। तो अब समझ में आया कि कन्फर्मर्स डिफर्स इन पोटेंशियल एनर्जी,
डन बेटा, आ जाओ मैं आपको दूसरा स्ट्रेन इंट्रोड्यूस कराता हूँ। सेकंड लिखो, पहला कौन सा था? टॉर्शनल स्ट्रेन। दूसरा देखते हैं, स्टेरिक स्ट्रेन। क्या नाम है उसका? स्टेरिक स्ट्रेन। ये सेकेंड नंबर का स्ट्रेन है। मैं आपको समझा रहा था कि क्या क्या प्रॉब्लम आ सकती है। बिल्कुल ध्यान से सुनो, स्टेरिक स्ट्रेन के बारे में समझते हैं। तो स्टेरिक स्ट्रेन अराइजेज ड्यू टू द रिपल्शन बिटवीन इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स ऑफ बल्कियर ग्रुप्स अटैच्ड टू एडजेसेंट कार्बन। नोट कर लिया सबने? देखो, स्टेरिक स्ट्रेन अराइजेज ड्यू टू द रिपल्शन बिटवीन बल्कियर ग्रुप, ओके, अटैच्ड, अराइजेज ड्यू टू रिपल्शन बिटवीन इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स ऑफ बल्कियर ग्रुप। स्टेरिक स्ट्रेन अराइजेज ड्यू टू रिपल्शन बिटवीन इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स ऑफ बल्कियर ग्रुप attached to किससे attached? Adjacent carbon, this one, इन दोनों के बीच adjacent carbon, इनके बीच में जो repulsion होता है ना, इसको बोलते हैं steric repulsion। अब इस बारी मैं डाइहेड्रल एंगल कौन सा लेने जा रहा हूं? बताओ, इस कार्बन और इस कार्बन पे दो CH3 अटैच्ड है। हाँ जी, और ये थीटा है। अगर इसको बोला जाए तो आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट कंफर्मेशन इन ब्यूटेन अबाउट C2C3 बॉन्ड। समझ में आ रहा क्या बोल रहा हूं? देख बेटा, ब्यूटेन का फॉर्मूला कैसा होता है। ये है नॉर्मल ब्यूटेन, इनमें कार्बन नंबर 1 है, 2 है, 3 है एंड 4। ये C2C3 बॉन्ड है ना, इसके अबाउट में कंफर्मेशन देखना चाह रहा हूं। बात समझना, बड़ी इंपॉर्टेंट बात मैंने बताई। ये देखो ब्यूटेन है, ये जो सीधा सीधा मैंने बना दिया, ऐसा होता नहीं, आपको पता है हर जगह पे क्या है, हाइब्रिडाइजेशन sp। ये आपको मैंने याद करो, जब नॉमेनक्लेचर पढ़ा रहा था बोला था zigzag arrangement। क्या आप दिख रहे हैं zigzag? पूरा zigzag, zigzag। और अब कंफर्मेशन देखो, यहां पे कंफर्मेशन क्या था? इट अराइजेस ड्यू टू द रोटेशन ऑफ और बेंडिंग ऑफ और मूवमेंट ऑफ बॉन्ड्स विदाउट ब्रेकिंग इट बेसिकली, इजंट इट? देखो, ये कंफर्मेशन है। ये कौन से कार्बन के अबाउट कंफर्मेशन है? C1 C2। तो अभी मैं वो नहीं दिखा रहा हूं। क्यों नहीं दिखा रहा हूं? क्योंकि वो पिछले वाला जैसा ही होगा, कोई खास फर्क नहीं है, इथेन के जैसा ही, बस एक ग्रुप बल्कि आ गया, इतना बड़ा था, इतना ही फर्क है ना। देखो भाई, मैं इसको पकड़ के इसको भी रोटेट करा सकता हूँ, इसमें थोड़ी तकलीफ ज्यादा हो रही थी इसलिए मैंने इसको फिक्स करके ऐसे से कर दिया। रिलेटिव रोटेशन ही तो है, क्या फर्क पड़ता है। अब मैं इस रोटेशन की बात नहीं कर रहा हूं, मैं कौन सी बात कर रहा हूं? 2 3, ये दोनों के बीच में, 2 एंड 3। अब इनके बीच ये देखो, ये जो दो मोटो लोग के बीच में रिपल्शन हो रहा है, ये मोटो एंड ये मोटो,
इनके बीच में जो रिपल्शन है ना, इसका नाम क्या है? स्टेरिक रिपल्शन। बल्कियर ग्रुप्स के इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स के बीच में, इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स, यहाँ इलेक्ट्रॉन है, यहाँ इलेक्ट्रॉन है, उनके बीच में। बताओ ये मोटुलो का रिपल्शन कब सबसे कम होगा? जब ये सबसे नीचे, डायहेड्रल एंगल कितना? 180, वेरी गुड बेटा। इस फॉर्म को स्टैगर्ड जैसा ही है ना, लेकिन स्टैगर्ड तो ये बीच में भी आता, 60 पे भी, इस पे भी, तो इससे इसका नाम बदल के क्या रखा था? एंटी स्टैगर्ड। क्या नाम रखते? बिल्कुल एकदम अपोजिट है एंटी स्टैगर्ड। एंटी स्टैगर्ड में जो स्टेरिक स्ट्रेन है वो मिनिमम है, टॉर्शनल स्ट्रेन भी मिनिमम है, इसलिए सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी इसकी आती है, इसकी आती है एंटी स्टैगर्ड फॉर्म की। डिड यू गेट इट एवरीवन? मान लो ये 60 पे लेके आता मैं, यहां पे ध्यान से देखो, ये बॉन्ड इसको ओवरलैप कर चुका है, लेकिन दिक्कत क्या है कि ये छोटू सा ग्रुप है और ये इतना मोटू सा ग्रुप है। दिस छोटू कैन नॉट ओवरलैप दिस मोटू, इज इट? आई मीन अगर ये कंप्लीटली इसको ओवरलैप नहीं कर पाएगा तो ये फुली इक्लिप्स्ड फॉर्म नहीं है, पार्शियली इक्लिप्स्ड फॉर्म है। डिड यू गेट माय पॉइंट? क्योंकि ये छोटा सा ग्रुप इस पूरे CH3 को कवर नहीं कर सकता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? पार्शियली इक्लिप्स्ड फॉर्म। इज दैट क्लियर एवरीवन? लेकिन अगर मैं इसको पूरा घुमा के इससे मोटू मोटू को सामने कर दूं तो दिस इज फुली इक्लिप्स्ड। तो सबसे घटिया स्टेबिलिटी किसकी होगी? फुली इक्लिप्स, बिल्कुल सामने सामने, दो मोटू मोटू ग्रुप के अगर सामने सामने कर दिया जाए और वो लड़ जाए तो पूरी क्लास की बेंच टूट जाएगी। और छोटे मोटे बच्चे अगर लड़ रहे हों तो कोई फर्क नहीं पड़ता, बेंच वैसे ही रहेगी। और सबसे ज्यादा रिपल्शन एंड सबसे कम स्टेबिलिटी कब आएगी? व्हेन टू बल्कियर ग्रुप्स आर एग्जैक्टली फेसिंग ईच अदर, ये फुली इक्लिप्स्ड फॉर्म। क्या समझ में आ गया बेटा? तब इसी को मैं फटाफट यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, आप लिख लेना ये कहानी सब हेडिंग डाल करके, कंफर्मेशन इन ब्यूटेन अबाउट सी टू सी थ्री बॉन्ड। ये थीटा दिखा लो, डाइहेड्रल एंगल, और यहां से कहानी लिखना शुरू करते हैं। इफ थीटा इज 0 degree, टॉर्शनल स्ट्रेन TS में लिख रहा हूं उसको, मैक्स। स्टेरिक स्ट्रेन SS लिख रहा हूं, मैक्स। क्या समझ में आ रहा? तुम लोग फुल फॉर्म लिख लेना। पोटेंशियल एनर्जी मैक्स, स्टेबिलिटी मिनिमम। सबसे घटिया दिखने में कैसा होगा? यहां सी एस थ्री, यहां दिस इज, इसका नाम क्या है? फुली इक्लिप्स्ड। दूसरी कैटेगरी में यहां बनाता हूं, इफ थीटा इज 180 degree, टॉर्शनल स्ट्रेन मिनिमम, स्टेरिक स्ट्रेन मिनिमम, पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम, स्टेबिलिटी मैक्सिमम, आई होप आप समझ रहे हो कि फ्रंट कार्बन रियर कार्बन वो सारी कहानी अंडरस्टूड है। एक बार जो समझाया, ये H है, और तीसरा फॉर्म में बनाने जा रहा हूं, कौन सा फॉर्म? पार्शियली इक्लिप्स्ड। इफ थीटा इज इक्वल टू 60 नहीं बल्कि 120, या फिर कितना? इफ थीटा इज इक्वल टू 120,
कर लिया बच्चा पार्टी, थीटा इज इक्वल टू 120, या फिर कितने लोग कह रहे हैं 120 का मतलब समझ रहे हो ना, सीधा सी स्त्री यहां जाए, फिर 120 और 240, इस फॉर्म को क्या बोलते हैं? ध्यान देना, टीएस कितना होगा, मैक्स टीएस मिनिमम थोड़ी ना होना, स्टेरिक स्ट्रेन मॉडरेट, मैक्स नहीं है, बीच में, पोटेंशियल एनर्जी मॉडरेटली हाई, टॉर्शनल स्ट्रेन याद है ना किसके बीच का रिपल्शन था, बॉन्ड, बॉन्ड तो सामने सामने है ना, अरे बोलो ना, तो वो तो मैक्सिमम ही होगा ना, टीएस टॉर्शनल स्ट्रेन बाबा, वो तो बॉन्ड के बीच के जो इलेक्ट्रॉन है, अगर वो सामने सामने आ गया, वो चाहे इस पे 60 पे आए, जीरो पे आए, सॉरी जीरो पे आए, 120 पे आए, क्या फर्क पड़ता है, स्टेरिक स्ट्रेन मॉडरेट होगा, टॉर्शनल तो मैक्सिमम ही होगा। तो इस फॉर्म को बोलते हैं, इन फॉर्म को बोलते हैं, क्या नाम होता है इसका, पार्शियली इक्लिप्स्ड। इसके अलावा बाकी जितने फॉर्म दुनिया में एग्जिस्ट करते हैं ना, सभी का नाम क्या है, फुली इक्लिप्स्ड, सॉरी सभी का नाम क्या है, गॉश फॉर्म। ये दो फॉर्म मैंने बना रहा हूं, आगे क्या समझे, ये पार्शियल इक्लिप्स फॉर्म। एंड बीच के जितने फॉर्म होते हैं ना, इस बार स्टैगर्ड जैसा नाम नहीं रखा जाता है, स्टैगर्ड में सीधा एंटी स्टैगर्ड, इसके बाद जितने फॉर्म बचते हैं सब गॉश फॉर्म। अब इनका पोटेंशियल एनर्जी बनाओ, बड़ा इंटरेस्टिंग सा आता है पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है, मैं ये सब मिटा दूं क्या यहां से, ये सब मिटा दे रहा हूं बेटा। स्टैगर्ड फॉर्म का मतलब क्या होता है, जो स्टेबल फॉर्म है, मोस्ट स्टेबल फॉर्म यही है, तो दिस इज स्टैगर्ड, इसका नाम और अच्छे से मॉडिफाई करके क्या रखा गया है, एंटी स्टैगर्ड, बाकी सारे फॉर्म अनस्टेबल है, ठीक है ना। तो ये देखो, अगर यहां पोटेंशियल एनर्जी बनाया तो कितने लोग कहेंगे सर 180 डिग्री के अबाउट ना इस ग्राफ में सिमेट्री मिलनी चाहिए, और सबसे ज्यादा पोटेंशियल क्या है, मैक्सिमम यहां पे। देखो मेरी बात ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो, मैं ऐसे करके आपको समझाता हूं, एक बार देखो ध्यान से, ये बिल्कुल मैक्स वाला फॉर्म है। देखो अब धीरे 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 पोटेंशियल एनर्जी कम होगा, कम होगा, कम होगा, कम होगा, अब जैसे ही ये इसके सामने आने लगेगा फिर से बढ़ गया, फिर और कम हुआ, कम हुआ, सबसे मिनिमम आ गया। तो यानी जीरो से 180 डिग्री के बीच में क्या हो रहा है, पहले डिक्रीज कर रहा है, फिर इंक्रीज कर रहा है, फिर डिक्रीज कर रहा है और मिनिमा पहुंच गया, ये 180 डिग्री। अब जैसे इस साइड से इस साइड हुआ, इसका ठीक रेप्लिका इस साइड से इस साइड होगा, क्योंकि इसके बाद जो कहानी कर रहे होंगे वो इसकी तरफ आ रहे होंगे एंड फिर मैक्सिमा की तरफ आ रहे। तो ऐसा है, डिक्रीज किया, डिक्रीज किया, डिक्रीज किया, डिक्रीज किया, बीच में एक जगह आने के बाद फिर बढ़ने लगा, बढ़ने लगा, बढ़ने लगा, फिर एक वैल्यू इंक्रीज, फिर करते 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 एकदम मिनिमम। ये जो फॉर्म है ना, ये थीटा 180 डिग्री है, इसी के अबाउट सिमेट्री में बता रहा था। अब इसके बाद फिर बढ़ेगा, 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 पार्शियल इक्लिप्स, फिर थोड़ा बीच में है, स्टैगर्ड जैसा होने की कोशिश कर रहा है, जिन सबका नाम बदल के क्या रख दिया गया। अब ये फॉर्म सीधा 360 पे रिपीट हो, तो इसका ग्राफ बिल्कुल जैसे पिछले वाले का ग्राफ कैसा आ रहा था, बिल्कुल सिमेट्रिकल, ऊपर नीचे, यहां पे हाइट अलग अलग आ जाएगी। दिस फॉर्म इज एंटी स्टैगर्ड एंड दिस फॉर्म इज फुल्ली इक्लिप्स्ड, ये और ये क्या है, पार्शियली इक्लिप्स्ड, ये दोनों, और ये क्या है, एंटी स्टैगर्ड, ये बीच वाले एंगल। मतलब आप एग्जैक्टली 60 नहीं बोल सकते, क्योंकि CH3 60 के आसपास वाला एंगल, समझ में आया।
हाँ बेटा तो फुल इक्लिप्स हुआ ना, मैंने क्या लिखा, ये भी फुल इक्लिप्स, ये भी फुल इक्लिप्स। हाँ तो पार्शली में दोबारा आया, देखो ये पार्शली, ये पार्शली 120 पे भी आया और 240 पे भी आया, ठीक है। चल जल्दी नोट करो इसको, मैं मिटा रहा हूँ अभी, तुरंत नोट करो। नोटेड, ये सब मिटा दूं, इस साइड वाली सारी चीजें मिटा दूं। बेटा ये सारे गॉस फॉर्म है, ये सारे फॉर्म जो है ना, यहां से यहां तक, यहां से यहां तक, यहां से यहां तक, ये सब गॉस फॉर्म। तो क्या मैं बोल सकता हूं रिलेटिव स्टेबिलिटी, फुल्ली इक्लिप्स्ड से ज्यादा गॉस और उससे ज्यादा एंटी स्टैगर्ड, बोल सकता हूं। यहां तक क्लियर है? एक बार ही क्वेश्चन इसी में सिर्फ एक ट्विस्ट करके आ गया, बोला कि ये बताओ अगर इसी ब्यूटेन के जगह पे ये ले लो या फिर यहां पे OH ले लो और इधर CH2 में X ले लो, जहां पे X का मतलब फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, तो बताओ क्या ऑर्डर यही सही है या कुछ चेंजेस होंगे। तो हमें ये समझना है कि भाई ये ऑर्डर कब आ रहा था, जब हमारे पास इन दो ग्रुप के बीच में सिर्फ रिपल्शन था, अट्रैक्शन था ही नहीं। लेकिन जैसे ही अगर ये ऐसा कन्वर्ट होता है तो एक अच्छी बात ये आ जाती है कि ये इंट्रा मॉलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड को प्रमोट करता है, ये पार्शियल नेगेटिव, ये पार्शियल पॉजिटिव, तो इनके बीच में अट्रैक्शन बन सकता है जो कि इससे पहले नहीं था। ये अगर एक्स होता है, एक्स तो हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, यहां पे कोई भी हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम एक्स लो पार्शियल नेगेटिव, तो ये पार्शियल पॉजिटिव के बीच में ये अट्रैक्शन, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग, कौन सा बॉन्डिंग है, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन। तो अगर आप बिल्कुल सामने सामने रखते हो यानी फुली इक्लिप्स फॉर्म में, तो सबसे बढ़िया बात है कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग बड़ा अच्छा हो, लेकिन खराब चीज क्या है, टॉर्शनल स्ट्रेन मैक्सिमम एंड स्टेरिक स्ट्रेन भी मैक्सिमम, तो बिल्कुल सामने सामने, तो स्टेरिक स्ट्रेन तो मैक्सिमम होगा ना। तो अब हमें ऐसा चाहिए कि हाइड्रोजन बॉन्ड भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है और ये स्ट्रेन भी कम होना चाहिए। तो क्या करेंगे, बिल्कुल सामने से हल्का 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 वहां तक लेके जाएंगे जहां से ऑप्टिमाइज हो सके, अट्रैक्शन भी रीजनेबली ओके रहे और रिपल्शन भी रीजनेबली कम हो जाए। इसलिए बोलते हैं कि इसमें फुली इक्लिप्स तो अभी भी कम स्टेबल होगा, लेकिन इन दोनों फॉर्म में गॉस बिकम्स मोर स्टेबल, गॉस बिकम मोर स्टेबल देन व्हाट, एंटी स्टैगर्ड, क्योंकि गॉस फॉर्म एक ऐसा फॉर्म है जिसमें मैक्सिमम टॉर्शनल स्ट्रेन भी नहीं है, मैक्सिमम स्टेरिक स्ट्रेन भी नहीं है
और हाइड्रोजन बॉन्ड भी पूरी तरीके से ब्रेक नहीं हुआ। तो हमें दोनों चीजों का ध्यान रख करके हमने ऐसा बनाया। वही अगर ये देखो, इसे मान लो इसी में एक OH है और यहाँ पे हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो बिल्कुल सामने करोगे तो अच्छा हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि स्ट्रेन मैक्सिमम है बाकी दोनों, तो इसलिए थोड़ा सा घुमा रहा हूं यही कहीं बीच में, कहीं पे भी यहाँ बीच में जहां पे वो थोड़ा मॉडरेट भी हो, वो एंगल सब मॉलिक्यूल के लिए अलग अलग होगा, वो कोई फिक्स एंगल नहीं है। इसलिए नाम में क्या डाल दिया, गॉस फॉर्म। एंड गॉस फॉर्म तो पूरी वैरायटी होती है यार, एंगल जीरो से लेकर के कितना आगे तक का पूरा एंगल गॉस ही तो होता है। एंटी स्टैगर्ड सबसे ज्यादा स्टेबल होता था जब सिर्फ इन दोनों के बीच में रिपल्शन हो, अट्रैक्शन होने की वजह से ये फॉर्म अब स्टेबल नहीं, क्योंकि इसमें आपने हाइड्रोजन बॉन्ड ही खत्म कर दिया। इसलिए कहीं यहां बीच में ये वाला पर्टिकुलर फॉर्म यही सबसे ज्यादा स्टेबल होगा। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन कई बार पूछा होगा एग्जाम में, तो इसलिए ध्यान रखोगे। इन केस ऑफ डिफरेंट कंफर्मर्स ऑफ दीज मॉलिक्यूल्स वेयर देर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, होगा ना अट्रैक्शन हो तो पोटेंशियल डिक्रीज करता है ना, रिपल्शन हो तो पोटेंशियल इंक्रीज। तो इसलिए इनके बीच में अट्रैक्शन हो रहा था, जैसे जैसे मैं यहां तक कर रहा हूं तो है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज अ टाइप ऑफ व्हाट, अट्रैक्शन, डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन। तो इसके वजह से हमने बाकी दो स्ट्रेन कम कर रहे थे, बढ़ा रहे थे पोटेंशियल एनर्जी, वो कम कर रहे थे। ठीक है, ये बात नोट कर लेना सभी लोग, कर लोगे क्या यहाँ तक कहानी, सभी को समझ में आ गई बेटा? नहीं, उसका ऑर्डर नहीं रखना होता, क्योंकि देखना कुछ गॉस के फॉर्म पार्शियली इक्लिप्स से भी ज्यादा एनर्जी वाले, ये गॉस ही तो है, ये भी गॉस पार्शियल इक्लिप्स से ये ज्यादा है, एंड कुछ गॉस के फॉर्म इससे नीचे भी है। इसलिए या तो ऑर्डर में तुम इसको रखो या तो गॉस को रखो, दोनों को इकट्ठे करके ऑर्डर नहीं बना सकते। और या तो इस ग्राफ में मार्किंग कर दो इस एंगल से इस एंगल के बीच में, ठीक है? तो इसलिए ऑर्डर में बस इतना ही लिखा है। इज दैट क्लियर एवरीवन? सभी को समझ में आ गया बेटा? बोलिए। तो और एक और टाइप का स्ट्रेन रह गया है, आज मैं आपको हेडिंग डलवा देता हूँ, अच्छे से लिखो इसके बारे में। इसको नोट कर लिया, नोट करो, पहले इसको नोट करो। क्या बच्चों सभी को समझ में आ गया, यहां तक सबको क्लैरिटी है? वेरी गुड। अब देखो इसके बाद समझते हैं तीसरा पार्ट स्ट्रेन का, जो लास्ट पार्ट भी है। हेडिंग डालो एंगुलर स्ट्रेन। क्या नाम है? एंगुलर स्ट्रेन। अब ये वर्ड अगर ध्यान से देखो तो एंगुलर स्ट्रेन क्यों अराइज हो रहा होगा? ना 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 ना, एंगल के डिविएशन से। कौन सा एंगल? जो उसका नॉर्मल एंगल है। नॉर्मल एंगल कैसे निकलता है? हाइब्रिडाइजेशन से। बोलो अगर कोई कार्बन sp हाइब्रिडाइज्ड है तो उसका एंगल कितना है? 180 डिग्री बॉन्ड एंगल ही। अरे बोलो यार, मतलब लीनियर हुआ तो। sp2 हाइब्रिडाइज्ड है तो क्या होगा? 120 डिग्री उसका नॉर्मल एंगल होगा। और अगर sp3 हाइब्रिडाइज्ड है तो अगर जो भी हाइब्रिडाइजेशन से एंगल आया जो कि नॉर्मल एंगल है,
उससे जितना भी डिविएट कर रहा होगा, क्योंकि सर क्यों डिविएट करेगा, होता है ना बेटा रिपल्शन की वजह से एंगल इधर उधर हो जाते हैं, तो जितना भी डिविएशन हो रहा होगा उसके वजह से ही एंगुलर स्ट्रेन आ रहा होगा। लिखो ये बात, एंगुलर स्ट्रेन अराइजेस ड्यू टू, एंगुलर स्ट्रेन अराइजेस ड्यू टू angular strain arises due to deviation from normal hybridized angle okay। अब example दिखाता हूं मैं आपको, ये बताओ इस molecule का क्या नाम है, इस मॉलिक्यूल का क्या नाम है, इसका नाम क्या है और इसका नाम क्या है। कितने लोगों को दिख रहा है कि सर सबसे ज्यादा एंगुलर स्ट्रेन प्रोपेन में दिखाई दे रहा है, कैसे, हाइब्रिडाइजेशन बताओ इस कार्बन का कितना, सभी का sp3 है ना, sp3 पे नॉर्मल एंगल कितना आएगा, नॉर्मल एंगल या हाइब्रिडाइज एंगल, बोलना मोटू जल्दी बोलो, 109 degree 28 minute, कितना एंगल है, अरे बाबा कितनी तकलीफ है इसको जिंदगी में, 109 डिग्री से कहां पहुंचना पड़ रहा है, हाँ कहां पहुंचना पड़ रहा है, 60 पहुंचना। मैं वो डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए आपको दिखाता हूं कितनी तकलीफ है इसके जिंदगी में। देखो ये तीन कार्बन मैंने लिया है, अगर ये नॉर्मल रहता तो ये एंगल कितना होता, 109 degree 28 minute, बोलो। अब तुम सोचो इनके और इनके बीच में मुझे बॉन्ड बनाना है, ये इसका नॉर्मल एंगल था, तो अब मैं जबरदस्ती करने जा रहा हूं, चलो बॉन्ड बनाओ भाई, एकदम नहीं छोड़ना ही नहीं है जब तक कि, ओह माय गॉड, नाउ कैन सी दैट अमाउंट ऑफ स्ट्रेन दैट इज क्रिएटेड, कैन यू सी द बेंडिंग। और ये पता है दिस इज वन ऑफ द मेजर रीजन व्हाई साइक्लोप्रोपेन इज हाईली रिएक्टिव, क्योंकि ये ऐसा बेंडिंग जो मैं यहां दिखा रहा हूं, रियलिटी में जब इनका बॉन्ड बन रहा होता है साइक्लोप्रोपेन में, तो बोलते हैं दिस इज वन ऑफ वेरी रेयर मॉलिक्यूल जहां ओवरलैप अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग एक्सिस है ही नहीं, इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के अलोंग है ही नहीं सिग्मा, यहां जो सिग्मा है थोड़ा सा इसको होगा, यहां जो सिग्मा बना है बड़ा ही फ्रेजाइल सिग्मा है, ड्यू टू एंगुलर स्ट्रेन ये सिग्मा नॉर्मल है ही नहीं, ये ऐसे बनाओ, क्या समझ में आया, दिख रहा है ना कितनी तकलीफ है ये? तो बहुत ज्यादा एंगुलर स्ट्रेन होता है इसलिए बहुत ज्यादा रिएक्टिव है साइक्लोप्रोपेन, अमोंग साइक्लोप्रोपेन ब्यूटेन पेंटेन एंड एक्सेन सबसे ज्यादा रिएक्टिव। अब मैं इसकी तकलीफ थोड़ा कम कर दूंगा, अगर मैं क्या बना दूं, क्या बना दूं बोलो, यस साइक्लोब्यूटेन बनाऊं तो थोड़ी कम तकलीफ हो जाएगी। देखो साइक्लोब्यूटेन में तकलीफ तो अभी इसमें भी है, देखो चार कार्बन हो गए ना, अब मैं इनको जोड़ूं तो अभी भी तकलीफ है बट सब्सटेंशियली डिक्रीज कर गया, तो साइक्लोब्यूटेन भी रिएक्टिव होता है बट नॉट एज ग्रेट एज, क्योंकि यहां 90 डिग्री आ रहा है और डिविएशन कितना है, 109 डिग्री 18 मिनट में से निकाल लो माइनस करके बेटा कितना आ रहा है, बोलो 19। इसके बाद कितने लोग कह रहे हैं एक मॉलिक्यूल आएगा कौन सा, पेंटेन, कौन सा आएगा, ठीक है, ये देखो मैंने पाई कार्बन का लिया है, रिंग बनाने में देखो बिल्कुल तकलीफ नहीं दिख रहा है सभी को, कहां दिख रहे भाई तू, ये देखो दिख रहा है एंगुलर स्ट्रेन कितना होगा इसमें अगर ऐसे डिविएशन देखा जाए तो,
हाँ बिल्कुल सही, इंटरनल एंगल कितने आएंगे वो निकालने आता है ना तुम लोगों को जी, एन माइनस टू डिवाइडेड बाई एन इंटू 180 करके इंटरनल एंगल निकालते हैं, एन माइनस टू, फाइव माइनस टू, 3/5 इंटू 180 करोगे 108 डिग्री आएगा। सो 1 डिग्री एंड 28 मिनट, इतना कम है ना, बोलो। अब इसी को कितने लोग करें, सिक्स मेंबर्ड करना होगा तो लेट मी ब्रिंग द मॉलिक्यूल फॉर यू। अच्छा क्या लगता है, 120 हुआ तो एंगल स्ट्रेन आएगा ना, 120 डिग्री हुआ तो एंगुलर स्ट्रेन आना चाहिए ना। एक साइंटिस्ट थे बेयर करके, उन्होंने एक्चुअली इनकी स्टेबिलिटी डिफाइन किया कि क्यों ये अनस्टेबल हो रहा है, क्योंकि पहले पता नहीं चल रहा था, तो एंगल की वजह से उन्होंने डिफाइन किया कि ऐसे प्रॉब्लम आ रही है। उनके हिसाब से साइक्लोहेक्सेन में एंगुलर स्ट्रेन और ज्यादा होना चाहिए, क्योंकि 109 डिग्री 28 मिनट से बढ़ के ये एंगल 120। तो इन एक दो तीन चारों मॉलिक्यूल में सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा हुआ, जबकि प्रैक्टिकल रिजल्ट जब निकालते हैं विद द हेल्प ऑफ थर्मोडायनामिक्स तो पता चलता है ये ज्यादा स्टेबल है। तो ये ऐसा क्यों हो गया, ये अजीब सा चीज क्यों हो गया, क्योंकि साइक्लोहेक्सेन को एज्यूम क्या किया गया, ये प्लेनर है, साइक्लोहेक्सेन इज नॉट अ प्लेनर मॉलिक्यूल, उनका एजम्पशन था, तभी ना ये एंगल इतना आएगा बेटा, प्लेन में रखोगे तब। साइक्लोहेक्सेन कैसा होता है, सो हेल्प मी इंट्रोड्यूस, आई एम गोइंग टू इंट्रोड्यूस यू द वेरी वेरी स्पेशल मॉलिक्यूल एंड द नेम इज साइक्लोहेक्सेन, एंड दिस इज नॉट अ प्लेनर मॉलिक्यूल। एवरी वन यू सी ऑल द एटम्स आर नॉट इन वन प्लेन, ट्राई टू सी दैट, आपको देखो ऐसा दिखाई देगा, अप एंड डाउन एंड अप एंड डाउन एंड अप एंड डाउन, यू कंटिन्यू लाइक दिस एंड ये आपको पैटर्न दिखाई देगा, दिख रहा है क्या ये पैटर्न। अब इस पैटर्न को ध्यान से देखो और सिर्फ इन एटम्स को ध्यान से देखोगे, ये साइड वाले छोटे छोटे एटम्स इनको हटा दो, जो बड़े बड़े सेंटर में पकड़े हुए उनको देखो, जब आप उनको देखोगे तो ये चेयर जैसा स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा हूं कि यहां आप हेडरेस्ट करो, फिर ऐसा फ्लैट, फिर ऐसा। मैं इसको अगर ड्रॉ करूं हाँ हाँ कह सकते हो तुम, S8 जैसा बिल्कुल, वहां पे भी ऐसा होता है। तो बिकॉज अब देखो इसमें तकलीफ बिल्कुल नहीं है, ये एंगल कितना है देखो 109 डिग्री 28 मिनट, ये एंगल 109 डिग्री, कोई तकलीफ नहीं है, इसलिए सबसे ज्यादा इसमें एक डिग्री का भी स्ट्रेन नहीं है, उसमें एक डिग्री 28 मिनट का स्ट्रेन था, इसमें वो भी स्ट्रेन नहीं है। तो आपको ये बात लिखना है कि अमॉन्ग दीज मोस्ट स्टेबल मॉलिक्यूल इज साइक्लोहेक्सेन, एंड ये बात लिखना है कि साइक्लोहेक्सेन डू नॉट एग्जिस्ट इन प्लेनर फॉर्म, इसका एग्जिस्टेंस किस फॉर्म में होता है, मेनली चेयर फॉर्म। अच्छा मैं कल और आपको पढ़ाऊंगा, मतलब अगली क्लास में, और उसमें मैं आपको बताऊंगा कि बोट फॉर्म में भी एग्जिस्टेंस है इसका, और उसके बाद और थोड़ा सा आगे पढ़ाऊंगा, बताऊंगा ट्विस्टेड बोट भी है, हाफ चेयर भी है, तो ये इसके कंफर्मेरिक फॉर्म है किसका, साइक्लोहेक्सेन। इसमें तो बेचारा क्या ही बनेगा यार, ये ऑलरेडी मर रहा है, किसी तरीके से तो बॉन्ड बना, इसमें कंफर्मेशन कैसे करेंगे। तो कंफर्मेशन यहां 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 थोड़ा कम मिलता है, यहां सबसे ज्यादा मिलता है साइक्लोहेक्सेन में, तो दैट आई विल डिस्कस इन द नेक्स्ट क्लास, कंफर्मर ऑफ साइक्लोहेक्सेन। तो आज का टॉपिक बस यहीं पे खत्म करता हूँ। तो क्या आपको समझ में आया एंगुलर, अच्छा मुझे बताओ बेंजीन में एंगुलर स्ट्रेन होगा क्या, जल्दी बताओ क्विकली, आई वॉन्ट ए क्विक आंसर, यस एंड नो में आंसर करो, जल्दी बताओ। Will we have any angular? It is a planar molecule. Will we have any angular strain? Answer is no, because its hybridization is sp2. Angle normal is 120 and ऐसे वाला angle भी 120. कोई angular strain नहीं है मोटू, लोग सुधर जाओ।
टॉपिक लिखवाता हूँ तो ध्यान से सुना करो. मैंने बोला था एनी डिविएशन फ्रॉम नॉर्मल एंगल विच इज ऑप्टेन बाई हाइब्रिडाइजेशन, उससे कोई डिविएशन नहीं है इसलिए इसमें कोई स्ट्रेन नहीं है. इसका हाइब्रिडाइजेशन एस पी थ्री था, इसमें एंगल 109 चाहिए था. अगर ये प्लेनर होता तो इसमें प्रॉब्लम होती, ये प्लेनर है ही नहीं इसलिए इसमें प्रॉब्लम नहीं है. ध्यान रखना एंगुलर मतलब रिलेटिव स्टेबिलिटी की बात किया जाए तो सबसे कम स्टेबल, इससे ज्यादा और इससे भी ज्यादा कौन होता है, साइक्लोहेक्सेन थोड़ा ही बेटर है लेकिन है. और ये बेटर क्यों होता है जबकि नॉर्मल अगर हम प्लेन से देखें तो क्या समझ में आता है, ठीक है. तो आप लिखोगे ये बात क्योंकि ये साइक्लोहेक्सेन चेयर फॉर्म बोट फॉर्म इस तरह के कन्फर्मर्स में एग्जिस्ट करता है नॉन प्लेनर फॉर्म में, इसलिए वहां पे स्ट्रेन नहीं होता है. समझ में आया सभी को? सो विद दिस एवरीवन वी आर डन फॉर द लेक्चर. अगली बार कहानी में हम लोग आगे बढ़ेंगे.